मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर में तीन घरों में चोरी की वारदात सामने आई। बदमाशों ने सीके ग्रीन्स कॉलोनी में तीन घरों के ताले तोड़े, जिसमें दो जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने बताया कि अज्ञात बदमाश करीब 2 से 3 घंटे घर में रहे और वारदात को अंजाम देते रहे। लाखों के सोना चांदी चोरी होने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं दूसरी वारदात कपड़ा व्यापारी गौरव त्रिपाठी के यहां हुई, जहां बदमाशों ने बदमाश ज्वेलरी और 50,000 रुपए नकदी चुरा ले गए। करने आए थे हम लोग, अभी जीएजी के यहाँ रात में रुक रहे थे। मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, बीच में आईसीयू में एडमिट, तो रेस्ट का बोला था डॉक्टर ने, तो वहीं खाना वाना होता है हम लोग का। तो शाम को पूजा करके गए पापा, उसके बाद मैं भी 8-8:30 बजे के लगभग आया था और फिर लॉक करके गया हूँ। तो अभी सुबह जब आए ऑफिस जाने के लिए, मन करना ऑफिस जाऊंगा तो जो है आगे देखा तो मेन गेट का ताला टूटा और लकड़ी वाले गेट का भी टूटा। उसके बाद ये अलमारी, इस रूम की, ये पूरा बेड का और पीछे वाला रूम है उसमें से करीब करीब 2.5 लाख के लगभग की ज्वेलरी और 8-62 हज़ार रुपये कैश थे। सर मैं डॉक्टर प्रकाश चौधरी हूँ और ये मेरी सिस्टर का घर है। ये मधु बाला मुकेश गुजराती का घर है, सीके ग्रैंड 97 नंबर का मकान है ये। और मेरी बहन 3 दिन से बेंगलुरु बच्चे के पास गई है और 3 दिन से मैं रोज सुबह आके झाड़ू पाए डालने छत पर और जो बाजू में बरामदे में जा रहा था, तो आज मैंने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाके देखा तो सारी अलमारियां सामान कपड़े सब बिखरे पड़े थे। अभी तक कुल 3 जगह सीके ग्रैंड कॉलोनी में चोरी की सूचना मिली है। मैं मुख्य जो एक घर है उसमें 60,000 रुपये और कुछ सोने चांदी के आभूषण है, वो चोरी होना अभी पाया गया। अन्य दो घरों में कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसमें तो ऐसा कुछ गया नहीं है, बाकी जाँच कर रहे हैं। अगर चोरी का अगर सामान जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाए।